आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अड्डा 24x7 पर। आप सभी लोग जुड़ जाइए और फटाफट सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दें और हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। फटाफट आप लोग जुड़िएगा। और ये स्टेट एग्जाम के लिए है। जितना भी स्टेट एग्जाम हो रहा है उसमें अगर आपका हिंदी पूछा जा रहा है, जो देख रहे होंगे आप, उत्तर प्रदेश में भी यूपी में भी ढेर सारी वैकेंसी आनी है। उन सभी वैकेंसी में हिंदी कम से कम मान के चलो कि 30 से 50 क्वेश्चन के बीच आपसे पूछा जा रहा है। तो इन सभी क्वेश्चंस के लिए आपको इस बैच के साथ क्या करना है, आपको इस बैच के साथ जुड़ना है। इसके अलावा स्टेट एग्जाम के लिए डिफरेंट डिफरेंट बैचेस भी अवेलेबल हैं अड्डा 24x7 पर। तो आप वहां से भी जाके क्या कर सकते हैं, वहां से भी जाके आप परचेज कर सकते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को गुड आफ्टरनून। आप लोग सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग सेशन को फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए और हम लोग जुड़ जाते हैं और साथ साथ हम लोग सेशंस करना शुरू करते हैं, यानी क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि महेंद्र का सही आपको क्या बताना है। महेंद्र का आपको सही संधि विच्छेद बताना है कि महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। फटाफट आप लोग कमेंट करके अपने आंसर भेजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या करेक्ट हो रहा है। सभी लोग अपने कमेंट करके आंसर भेजेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या करेक्ट हो रहा है। फटाफट जुड़िएगा और अपने आंसर को आप सभी लोग करेक्ट करिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या करेक्ट हो रहा है। यहां आपसे पूछ रहा है कि महेंद्र का सही क्या बताना है आपको। महेंद्र का सही आपको संधि विच्छेद बता देना है कि महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बी आंसर करेक्ट आ रहा है, महा प्लस इंद्र होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तब आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। महेंद्र का अगर सही संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, महा प्लस इंद्र बन जाएगा। यानी बी ऑप्शन पे आप जाएंगे और बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी का आंसर सही आ रहा है। जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताना है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा। मूर्धा से किया जाता है, धन से किया जाता है, ओस से किया जाता है या कण से किया जाता है। फटाफट आप लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आएंगे और उसका भी आंसर करेंगे। आपसे पूछ रहा है क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से किया जाता है। फट से आप कमेंट करके अपना आंसर भेजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेक्ट कर रहे हैं। सभी लोग तेजी के साथ जुड़ेंगे और आंसर करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या करेक्ट हो रहा है। क वर्ग का आपको क्या बताना है, उच्चारण स्थान बताना है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। सभी लोग जुड़िएगा और आंसर करते रहिएगा। सभी लोग सेशन को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आंसर करेक्ट करिएगा, क्या आंसर करेक्ट हो रहा है भाई। सभी लोग जुड़ेंगे और आंसर करेंगे कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेक्ट कर रहे हैं। चलिए यहाँ जो क वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। तब आपको ध्यान रखना चाहिए, बार बार मैं बताता रहता हूँ, एक कोड आपको बताता हूँ, कंता मुदाओ। कंता मुदाओ आप कोड याद कर लो, इसी से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सी आंसर नहीं सही होगा, डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर कंठ से बात किया जाए कि कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण कंठ से किया जाता है, तब आपको ध्यान रखना है क ख ग घ अंगा, ये तो कंठ से इसका उच्चारण किया ही जाता है। साथ साथ अगर स्वरों की बात करें तो अ आ का भी उच्चारण कहाँ से होता है, तब आपको ध्यान रखना है इसका भी उच्चारण कंठ से किया जाता है। इसके अलावा अनुस्वार का भी उच्चारण कहाँ से किया जाता है, अगर हम बात करें अनुस्वार की तो इसका भी उच्चारण कहाँ से किया जाता है, इसका भी उच्चारण कंठ से किया जाता है। और अगर हम विसर्ग की चर्चा करें, विसर्ग ये होता है, अगर हम विसर्ग की चर्चा करें तो इसका भी उच्चारण कहाँ से होता है, इसका उच्चारण भी कंठ से किया जाता है। और हाप की बात किया जाए तो हा का उच्चारण भी कहाँ से किया जाता है, कंठ से किया जाता है। ठीक है, अरे यार हिंदी को कैसे इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, है ना, ध्यान रखना है। हिंदी हिंदी में पूछा भी जाता है और हिंदी में कराया भी जाता है, तो इसमें संभव नहीं है। ठीक है प्रवीण जी, इसमें संभव नहीं है ऐसे कराना। और आप पूछ रहे हैं, यहाँ देखिएगा, क वर्ग के उच्चारण स्थान मतलब क वर्ग जो है आपका वर्गीय व्यंजन में क वर्ग है, उसका प्रोनंसिएशन प्लेस पूछ रहा है कि कहाँ से वो प्रोनंसिएट किया जाता है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो क वर्ग का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंठ आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है। फट से आप कमेंट करके बताएंगे, सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग हैं सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और फट से कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने आ चुका है। कह रहा है हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है वो आपको कमेंट करके आंसर बताना है। चलिए भाई सभी लोग आंसर करिएगा, क्या आंसर करेक्ट होगा। उत्तर भारत में, आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या नन ऑफ दीज, आपके सामने ऑप्शन दिया है, आप इनमें से आंसर करेक्ट करके बताइएगा क्या आंसर करेक्ट होगा। जय हिंद, सभी को जय हिंद जितने भी लोग जुड़ चुके हैं। चलिए फटाफट आप लोग जुड़िएगा, क्या आंसर आप लोग करेक्ट कर रहे हैं। यहाँ आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या करेक्ट हो जाएगा, उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन पे आप जाएंगे, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपको क्या करना है, राइट करना है। यानी हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है, तब आपको करना है उत्तर भारत में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमने एक दिन आपको कराया हुआ था कि हिंदी भाषा की जो देवनागरी लिपि के बारे में पूछता है
वो कौन सी है? तब हमने आपको ब्राही लिपि के बारे में बताया हुआ है। ब्राही लिपि हिंदी की क्या है? वैसे तो हिंदी की जो लिपि है वो क्या है, हिंदी की लिपि अगर पूछा जाए कभी आपसे कि हिंदी की लिपि क्या है, तब आपको करना है हिंदी की लिपि देवनागरी। क्या करना है? हिंदी की लिपि के बारे में अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है तो आपको आंसर करना है हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। कमेंट करके आप लोग आंसर करिएगा, कमेंट करके आप लोग आंसर करिएगा, संज्ञा कितने प्रकार की है, 10, 5, 7 या 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, फट से आप लोग कमेंट करके आंसर करिएगा। और आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, जितने भी लोग जुड़े हैं, अगर आपको वर्णमाला का टॉपिक पढ़ना है पूरी तरह से, वर्णमाला का टॉपिक आपको यानी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपको एमसीक्यू करना है इस टॉपिक का, अगर कॉन्सेप्ट के साथ आपको एमसीक्यू करना है वर्णमाला वाले टॉपिक का, तो आप चले जाइएगा टीचर्स अड्डा पे। टीचर्स अड्डा पे आप चले जाइएगा, टीचर्स अड्डा पे ये पूरी क्लास वर्णमाला की विद एमसीक्यू पड़ी हुई है, पार्ट वन और पार्ट टू करके, वहां से आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा इसको, अगर आपको पढ़ना है ये टॉपिक तो। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये, आप अगर करना चाहें तो सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, वहां से जाएंगे तो 2-2.5 घंटे का ये टॉपिक है, आपको मिल जाएगा। आंसर आ रहा है आपका बी, आंसर 5 होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संज्ञा कितने प्रकार की होती, 5 प्रकार की। यहाँ हम आपको बता भी दें कौन कौन से 5 प्रकार हैं, तब आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति के साथ आप करेंगे, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक के साथ साथ जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक के साथ साथ तीसरा आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और अगला क्या हो जाएगा, अगला आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक। और लास्ट आपका हो जाएगा क्या, भाववाचक संज्ञा, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगर आपसे पूछता है संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो फटाफट आप लोग आंसर करेंगे कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, व्यक्ति, जाति, समूह, द्रव्य और भाववाचक संज्ञा। चलो जरा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उसको बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती, कमेंट करिएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के प्रकार, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। आपके पास मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 1, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 3, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 5 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 4। बताइएगा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती, कमेंट करके आंसर बताइएगा जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, या मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती, कमेंट करके आप आंसर करेंगे, फट से आप आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो हमने रेज किया है आपसे, व्यक्ति, जाति, बिल्कुल व्यक्ति, व्यक्ति, जाति और भाव समूह आपने किया, नहीं, संज्ञा के प्रकार आपने किया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती, तब आंसर करना व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती। कौन कौन सी, समझो, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती, कौन कौन सी, तब आपको करना है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति के साथ आपको जातिवाचक संज्ञा करना है, और क्या करना है, भाववाचक संज्ञा। यहाँ कैटेगरी करके बहुत क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्युत्पत्ति के आधार पर या संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती, तब आपको करना है 3 प्रकार की, कौन कौन सी, तब आप आंसर करेंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और कौन सा, भाववाचक संज्ञा। हमने आंसर आपको क्लियर कर दिया है कि कौन सा आंसर क्या होगा, कौन सा आंसर करेक्ट होगा, और इसमें 2 क्वेश्चन हमने दिया था, दोनों के दोनों क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेशन को सभी लोग शेयर कर दो, जितने भी लोग जुड़े हो सभी लोग सेशन को शेयर कर दो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी, फट से कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। 22, 10, 33 और 30 आपके सामने ऑप्शन के रूप में दिया है, आपको कमेंट करके बताना है इसका क्या आंसर आप करेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि अगले क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेक्ट कर रहे हैं। सभी लोग जुड़िएगा और तेजी के साथ आपको आंसर करना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेक्ट कर रहे हैं। फटाफट आप लोग जुड़ के आंसर बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून बलराज जी, गुड आफ्टरनून, फटाफट आप लोग जुड़िएगा और आंसर करिएगा क्या आंसर आपका सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 33, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, तब आप कहेंगे 33 हो जाएगी। देखिए व्यंजनों की संख्या जो 33 है उसको कैसे आप समझेंगे, तब आप ध्यान दीजिएगा। स्पर्श व्यंजन की बात किया जाएगा तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तब आपको ध्यान रखना है 25। अगर अंतस्थ की बात किया जाएगा तो अंतस्थ कितने हैं, 4। अगर ऊष्म की बात किया जाएगा तो ऊष्म कितने हैं, तब आपको ध्यान रखना है 4। और अगर टोटल आप मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, तब आपका 33 हो जाएगा। और यही क्या है, यही मूल व्यंजन है। तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तब आपको ध्यान रखना है मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। उनकी कैटेगरी हमने बता दिया है,
कुछ लोग कर रहे हैं स्वरों के बारे में, कल भी हमने क्वेश्चन कराया हुआ था स्वरों की संख्या कितनी है, तब आपको ध्यान रखना है स्वरों की संख्या 11 है। व्यंजनों की संख्या कितनी होगी तब आपको ध्यान रखना है 33 या 33 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अंतस्थ के बारे में हम कई बार आपको बता चुके हैं कौन कौन से वर्ण है, या रा ला और वा क्या हो जाएगा, अंतस्थ वर्ण की कैटेगरी में आएगा ये चारों वर्ण। अगर उस वर्ण की बात किया जाएगा तो आपका क्या होगा, उस वर्ण की अगर हम बात करेंगे, इसकी अगर बात किया जाएगा तो ये सा खा साहा मतलब तीनों सा जो हैं वो किस में आएंगे, उस वर्ण में, प्लस आपका हा भी क्या आ जाएगा, ये उस वर्ण की कैटेगरी में आएगा। बहुत आसान है, फटाफट आप लोग सेशन को सभी लोग शेयर करके साथ साथ आप लोग करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और अगले क्वेश्चन का आंसर आपको तेजी से करना है कि आंसर आप सही कर पा रहे हैं, फटाफट आप जुड़िएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है, उस क्वेश्चन का आंसर भी आप करेक्ट करिएगा कि आंसर करेक्ट कर रहे हैं। सभी लोग जितना तेजी के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं सेशन से उतना तेजी के साथ जुड़ के आप अपने आंसर को बनाएं कि क्या आंसर आप करेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है और आंसर आना चाहिए, सभी लोग कमेंट करके अपने आंसर भेजेंगे क्या आंसर सही हो रहा है, सभी लोग कमेंट करके अपने आंसर भेजेंगे कि आप क्या आंसर करेक्ट कर रहे हैं, आप सभी लोगों के आंसर आने चाहिए। चलिए भाई कमेंट करके आप लोग आंसर बताते रहिए कि आंसर आप लोग सही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या करेक्ट हो जाएगा, 14 सितंबर यानी 14 सितंबर को क्या किया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, तब आपको ध्यान रखना है बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का क्या करना है, चयन करना है। आपको देखना है कौन सा वर्तनी शुद्ध है, करेक्ट है, वो आपको करेक्ट करके बताना है कि कौन सा ऐसा वर्तनी है जो पूरी तरह से करेक्ट लिखा हुआ है। आपके सामने क्वेश्चन है और आप उसका आंसर बताएंगे क्या आंसर आप करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फटाफट आप लोग जुड़िएगा और आंसर बताइएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है उसका आंसर क्या करेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए आपके सामने तरुण शब्द लिखा है, लेकिन तरुण के कई सारे क्या लिखे हैं, तरुण के कई सारे रूप लिखे हैं, उनमें से आपको छांट के बता देना है कि कौन सा तरुण का क्या है, कौन सा तरुण का सही रूप आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। बताइएगा सभी लोग, आंसर करिएगा क्या आंसर होगा, भाई क्या आंसर होगा, फट से आप कमेंट करके अपना आंसर बताइएगा। तब यहां आपको ध्यान रखना चाहिए, यहां जो तरुण शब्द हो जाएगा वही क्या होगा, तरुण शब्द यहां सही शब्द हो जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन क्या होगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी यहां देख लेना है आपको तरुण शब्द क्या लिखा है, तरुण शब्द आपका करेक्ट लिखा है, तरुण नहीं होता तरुण होता है, यहां देखिएगा। जबकि बी विकल्प में क्या लिखा है, बी विकल्प में लिखा है तरुण, बड़े उ की मात्रा लगी है, ये शब्द गलत है, और ए वाला शब्द आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये वर्तनी का क्वेश्चन या स्पेलिंग मिस्टेक का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तब आपको ध्यान रखना है कि तरुण शब्द यानी ए विकल्प आपका पूरी तरह से क्या लिखा है, पूरी तरह से सही लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर सही आया है, सभी का आंसर सही आया है, तरुण जो है वो सही आंसर है, यानी ए विकल्प पे आप जाएंगे और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। फट से आप कमेंट करके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेक्ट कर रहे हैं। तेजी से आप लोग जुड़ेंगे और आंसर बताएंगे, सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या नन ऑफ दीज, कमेंट करिएगा क्या आंसर आप लोग सही कर रहे हैं। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर आप करेक्ट कर रहे हैं, सभी लोग जुड़िएगा और आंसर बताइएगा क्या आंसर आप लोग करेक्ट कर रहे हैं। आंसर क्या आ रहे हैं भाई आप लोगों के, नाक से, नहीं नहीं यहां देखिएगा, हमने आपको एक क्वेश्चन भी कराया है, यहां आपका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा सी आंसर क्या होगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो आपका वर्गीय व्यंजन का पांचवा वर्ण है, जैसे अगर हम बात करें अंगा की, इया की बात करें, अड़ा की बात करें और माँ की बात करें, ये जो वर्गीय व्यंजन के पांचवें वर्ण ही, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें नासिक के वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, नासिक के वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है, इनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है, नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। तब आपका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा इसमें वो क्या हो जाएगा, वो आपका सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सी आंसर यहाँ राइट आंसर होगा, दोनों, बिल्कुल दोनों होगा, तो सी आंसर पे आप जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह रहा है कि या रा ला और वा किस वर्ग के व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं, कमेंट करके आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और कमेंट करके आपको आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेक्ट होगा। सभी लोग जुड़ेंगे और आंसर बताएंगे कि अगले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या करेक्ट हो रहा है। सभी लोग जुड़िएगा और आंसर बताइएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या करेक्ट हो रहा है, क्या आप लोग आंसर बना रहे हैं इसका, ठीक है। सभी लोग तेजी के साथ जुड़ के आंसर बताएंगे। हमें लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कर ले जाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी का करेक्ट आना भी चाहिए,
सभी लोग जुड़िएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेक्ट हो रहा है। ठीक है, सभी लोग जुड़ेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेक्ट हो रहा है। सभी लोग जुड़िएगा और बताइएगा, यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन की कैटेगरी में आता है? तब आपको ध्यान रखना चाहिए अंतस्थ व्यंजन की कैटेगरी में आएगा। और भी यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी देख लो। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर बताइए, तब आप क्या कर लेना, अर्धस्वर क्या हो जाएगा, या और वा को किसकी कैटेगरी में रखा गया, अर्धस्वर की कैटेगरी में रखा गया। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में पार्श्विक वर्ण बताइए, ध्यान दो पार्श्विक वर्ण की बात करेगा, पार्श्विक वर्ण की, तो पार्श्विक वर्ण क्या हो जाएगा, पार्श्विक वर्ण आपका हो जाएगा ला। और ला का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, अगर ये पूछे ला का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, तब आप क्या याद रखना, दंत से किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए हा का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, तब आप आंसर क्या याद रखेंगे, हा का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, कंठ से किया जाता है, तब आपको याद रखना चाहिए। और इसके अलावा एक वर्ण होता है लुंठित वर्ण, जब आपसे पूछा जाए लुंठित वर्ण हिंदी वर्णमाला में कौन सा है, तब आंसर क्या करना है, रा को लुंठित वर्ण की कैटेगरी में रखा गया है। तो आंसर अपना सी क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, अगला क्वेश्चन है महात्मा में कौन सा समास है, कमेंट करके बताओ जरा, महात्मा में कौन सा समास है, फट से आप कमेंट करके अपने आंसर भेजो कि आंसर सही होगा। फट से आप लोग कमेंट करके आंसर बताओ कि महात्मा में कौन सा समास बनेगा, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि महात्मा में कौन सा समास बनेगा। ठीक है, महात्मा में कौन सा समास बनेगा, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययीभाव भाव समास। फट से आप कमेंट करके अपना आंसर भेजिए क्या आंसर सही होगा। जितना तेजी के साथ आप आंसर करोगे उतना तेजी के साथ सेशन होगा, और प्रैक्टिस के लिए आप हमेशा ज्वाइन करते रहिए। प्रैक्टिस के लिए 2:30 से 3 के बीच में एक क्लास चलती है, ध्यान दीजिएगा ये क्लास कब चलती है, 2:30 से 3 के बीच में आपकी ये क्लास चलती है। तो 2:30 से 3 के बीच में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप कर रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, कर्मधारय समास हो जाएगा। और कर्मधारय समास में होता क्या है, पहला पद क्या होता है, तब आपको ध्यान रखना है, पहला पद जो है वो विशेषण होता है। पहला पद क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है, और जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। दूसरा जो पद होता है वो क्या होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। और जब इस तरह से होगा तब क्या होगा, तब वहां कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। महात्मा में भी महान आत्मा, अगर इसका आप विच्छेद करेंगे या इसका आप विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, महान आत्मा बनेगा। और महान और तुच्छ क्या है, विशेषण है, और इस आधार पर हम कहेंगे कर्मधारय समास बनेगा इसमें, किसमें, महात्मा में कर्मधारय समास बनेगा। ऐसे ही एक शब्द अगर हम आपको आपके सामने रखें, नील कमल, तो कमल क्या है, कमल विशेष्य है, जबकि कमल कैसा है, नीला है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो नील कमल में भी क्या बनेगा, तब आप कहेंगे नील कमल में भी कर्मधारय समास बनेगा। तो इस तरह से कर्मधारय समास को क्या करते हैं, इस तरह से कर्मधारय समास को हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए समास कितने प्रकार के होते हैं, तब आपको ध्यान रखना है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। देखो एक लिस्ट बना देते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती, तब आपको ध्यान रखना है संज्ञा कितने प्रकार की, 5 प्रकार की होती। अगर आपसे पूछा जाए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तब आपको आंसर क्या करना है, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वचन आपको क्या करना है, 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन की चर्चा हिंदी में होती है। अगर आपसे जेंडर की बात पूछा जाए हिंदी में, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तब भी आपको करना है एक वचन और बहुवचन की बात करना है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, 2 प्रकार हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए संधि कितने प्रकार की होती, तब आप क्या करेंगे, संधि कितने प्रकार की होती, तब आप करेंगे 3 प्रकार की। काल कितने प्रकार के होते हैं, तब आपको आंसर क्या करना है, काल भी कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। अगर आपसे पूछा जाए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य जिसको वाइस कहते हैं, तब भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तब आपको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो फटाफट जितना ज्यादा आप लोग सेशन को शेयर कर पाइए, उतना ज्यादा सेशन को क्या करिए, आप लोग शेयर करिए। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए आप लोग, जितना ज्यादा क्वेश्चंस हो सकता है उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, और एक क्वेश्चंस के साथ कम से कम 5, 7, 8 क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि आत्मा का विपरीत शब्द आपको बताना है, कि आत्मा का विपरीत शब्द क्या बनेगा, कमेंट करके आंसर बताओ, आत्मा का विपरीत शब्द क्या बनेगा, कमेंट करके आप लोग आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, और अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि आत्मा का जो विपरीत शब्द बनेगा वो क्या बनेगा। अनात्मा दिया है, अनादर दिया है, अमीर दिया है, नन ऑफ दीज दिया है, इनमें से कोई नहीं बताएंगे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बन जाना चाहिए, ये तो बन जाना चाहिए। हमने विलोम तद्भव तत्सम पर्यायवाची बहुत कराया है, विशेषण विशेष बहुत कराए हैं, और इसी एसएससी अड्डा चैनल पे कराया है, जब आरओ यारो की क्लास करा रहा था तो बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे। आंसर भी आ चुका है, और ये आंसर आया है अंशिका की तरफ से, और बिल्कुल
करेक्ट आंसर आया है, आत्मा का जो विलोम बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, अनात्मा बन जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि श्याम सोता है, इसमें बताना है आपको कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, फट से आंसर करो। श्याम सोता है कौन सी क्रिया है, फट से आप कमेंट करके अपना आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, श्याम सोता है दिए गए सेंटेंस में कौन सी क्रिया है। कमेंट करके आप लोग अपना आंसर बताइए, क्या आंसर सही कर रहे हैं आप लोग, अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया, या दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिएगा क्या आंसर सही होगा। ए आंसर आ रहा है विकास यादव की तरफ से, बिल्कुल विकास जी वेरी गुड, आंसर आपका करेक्ट है। और यहाँ क्या हो जाएगा, राम सोता है क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया का क्या बनेगा, अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल बनेगा राम सोता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और पूछ रहा हूँ, जरा बताइएगा। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, कौन सी क्रिया होगी, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, दूध पिलाती है, जरा बताइएगा कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक, कमेंट करो जरा। विकल्प आपका दिया है, दो विकल्प है, या तो सकर्मक होगा या क्या होगा, अकर्मक होगा, जरा बताओ क्या होगा, सकर्मक या अकर्मक। ठीक है, कमेंट करो जरा। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक या अकर्मक। एक है, अगर आपका सकर्मक आंसर है तो आप एक कमेंट करिए, अकर्मक आंसर है दो कमेंट करिए। सकर्मक क्रिया होगी, बिल्कुल, जहां किसी कार्य काम का होना पाया जाए, करना या होना पाया जाए, जहां किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ माँ बच्चे को दूध पिला रही, माँ के द्वारा क्या किया जा रहा है, कुछ काम किया जा रहा है, इसलिए किसका एग्जाम्पल बनेगा, सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल बनेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन, मनु दिन में सोता है, जरा बताएंगे, मनु दिन में सोता है कौन सी क्रिया है, मनु दिन में सोता है, फट से कमेंट करके बताओ, मनु दिन में सोता, क्वेश्चन तुरंत बना लिया करो, और इस तरह से हजारों एग्जाम्पल आपके सामने बन सकते हैं। मनु दिन में सोता है कौन सी क्रिया है, एक या दो में कमेंट करके बताओ, अगर सकर्मक है तो एक, अकर्मक है तो दो कमेंट करके बताओ, मनु दिन में सोता है कौन सी क्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर हम कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री कर दे रहे हैं, इसका थ्री का जरा आंसर बताओ, मनु दिन में सोता है कौन सी क्रिया बनेगी, अकर्मक बने, बिल्कुल बहुत सही, दिन में सोए चाहे रात में सोए ये कौन सी क्रिया बनेगी, अकर्मक, क्योंकि सोना क्या अकर्मक है, यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है इसलिए क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी। जरा एक क्वेश्चन और बताओ, राम चांद पर कूदता है, चौथा क्वेश्चन है, इसका कमेंट करके आपको बताना है, राम चांद पर कूदता है, जरा इसका बताओ कमेंट करके, इसका कमेंट करके जरा बताओ, सकर्मक बनेगा या अकर्मक बनेगा, कमेंट करो जरा। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर बताओ क्या होगा, इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर डालो कि क्वेश्चन अपने आप क्या हो, क्वेश्चन अपने आप बन जाए। क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन चार लिख के फिर उसके आंसर, उसके बाद एक या दो लिख के कमेंट करो, तभी समझ में आएगा। राम चांद पर कूदता है या जमीन पर कूदता है, तो उसके द्वारा कोई ना कोई तो काम किया जा रहा है, कोई ना कोई काम किया जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल बनेगा, किसका एग्जाम्पल, सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल बनेगा, ना कि अकर्मक का एग्जाम्पल बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, दो बनेगा, बिल्कुल अकर्म, ये सकर्मक क्रिया का क्या बनेगा, सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल बनेगा, सेंटेंस में आपको बताना है, सिंपल एक शब्द में हमने नहीं पूछा, सेंटेंस में आपको पूछा, जब सेंटेंस में बनाएंगे तो क्या बनेगा, सकर्मक क्रिया, मतलब उसके द्वारा कोई ना कोई क्या किया जा रहा है, कोई ना कोई काम किया जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसी तरह कोई भी टॉपिक लो, उसके सारे क्वेश्चंस को क्या करो, सारे क्वेश्चंस को बना डालो, अपने आप क्या होगा, अपने आप आंसर सही हो जाएगा, हिंदी में कोई इतना ज्यादा थोड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इसमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, जरा कमेंट करके बताओ, कौन सा ऐसा शब्द है जो समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल बनेगा, फटाफट कमेंट करो, कमेंट करो क्या आंसर सही होगा, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, किस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल सही, सभा आंसर आ रहा है, जयवीर सैनी की तरफ से आंसर आ रहा है, सभा सही होगा, बिल्कुल सही है, समूहवाचक संज्ञा सभा भी हो जाएगा, देखो सभा भी हो जाएगा, सभा के साथ साथ परिवार भी किस में बनेगा, समूहवाचक संज्ञा में बनेगा, क्लास या कक्षा भी समूहवाचक संज्ञा में बनेगा, इसके अलावा सेना भी किस में बन जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा गुच्छा भी क्या होगा, गुच्छा भी समूहवाचक संज्ञा बनेगा, अगर आप कह दें ढेर, जैसे कचरे का ढेर, तो वो भी किसी चीज का क्या है, किसी चीज का समूह है, तो उसमें भी क्या बनेगी, उसमें भी समूहवाचक संज्ञा बनेगी। हमें लगता है कि चीजें आपको क्या हो पा रही, चीजें आपको तैयार हो पा रही होंगी। ठीक है, सेशन आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा, हम लोग पर डे प्रैक्टिस करेंगे, पर डे बेसिस पर प्रैक्टिस यहाँ होनी है,
बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रा वर्ण आपको बताना है, त्रा वर्ण संयुक्त वर्ण के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी है, तब हम लोग जानते हैं संयुक्त वर्ण की संख्या है चार। कौन कौन से? छत्रंग ज्ञ और स्र। छत्रंग ज्ञ और कौन सा? स्र। इसमें से आप पूछ रहा है, इसमें से आपसे पूछ रहा है कि त्रंग कौन सा पूछ रहा है? त्रंग पूछ रहा है। त्रंग का निर्माण किन किन वर्णों के मिलने से होता है? फट से आप बता देंगे त्रंग का निर्माण किन किन वर्णों के मिलने से होता है, कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा। त्रंग का निर्माण किन किन वर्णों के मिलने से होता है, जरा कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर सही कर पा रहे हैं आप? कमेंट करिएगा क्या आंसर आप लोग सही कर पा रहे हैं इसका। देखिए इसमें विकल्प जो है वो गलत लिख दिया गया है, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं। विकल्प गलत लिख दिया गया है, इसका जो राइट आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन भी आप कर लो। ये देखो ये आधा ता है, ता में हलंत लगा है, प्लस रा लिखा है, प्लस आ लिखा है, या सही तो लिखा है नहीं, कोई बात नहीं, सही लिखा है, सही लिखा है, उसने सही लिखा है, विकल्प बिल्कुल राइट लिखा गया है, हमने ध्यान नहीं दिया। तीन ही ऑप्शन में आप बताएं सही लिखा है। ठीक है, तो यहां देखिए जो आंसर आपका सही हो जाएगा बी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो रा में हलंत लगा दिया है तो आगे आ भी तो लिख दिया है, उस वर्ड को पूरा कर दिया है। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका इसने अलग कर दिया है, बाकी आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। यहां देखिएगा छत्र का निर्माण आधा का प्लस सा के मिलने से होता है, ठीक है, मूर्धन्य सा। त्रंग का निर्माण आधा ता प्लस किसके मिलने से होता है? रा के मिलने से होता है। आगे आप बढ़ेंगे, या का निर्माण आधा ज प्लस इया के मिलने से होता है। और अगर हम बात करें सरा का निर्माण आधा सा प्लस रा के मिलने से होता है। अब देखो जैसे आप अगर इया लिख रहे हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आधा इया प्लस क्या लिख सकते हो, आ लिख सकते हो। तो हर व्यंजन में क्या होता है, स्वर छिपा होता है। जैसे आप का लिख रहे हो तो का को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, का में हलंत लगा दो और हलंत लगाने के बाद जिसका जो आ वाला उच्चारण वाला भाग है ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और इस दृश्य से क्या लिखा गया है, ये सही लिखा गया है। ठीक है, तो बी आंसर आप क्या जाएंगे, बी आंसर पे सही जाएंगे। बिल्कुल सौरभ जी आपने भी आंसर किया है, सुरेंद्र जी आपने भी बिल्कुल आंसर करेक्ट किया है, बी बी एकदम धूम मचा दी है, बी बी बिल्कुल बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, फट से कमेंट करो, अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और कमेंट करके आपको बताना है कि अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी आप बता पा रहे हैं। सर ये क्लास का टाइम क्या है? देखो हमारी दो क्लासेस चलती हैं, मैं आपको बता दूं, आपका नाम मैं एक बार देख लूं, विकास जी आप समझिएगा, आप यहाँ तो पर डे 2:30 से क्लास चलती है, 2:30 से कितने बजे तक, 2:30 से 3 बजे तक क्लास चलती है, 2:30 से 3 बजे तक पर डे आपको यहाँ मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव सेशन, आपकी ये क्लास मिल जाएगी। और ये चैनल है एसएससी अड्डा, ठीक है, एसएससी अड्डा पे। और अगर विकास जी आप पढ़ना चाहते हैं कोई एक टॉपिक, मैंने आपको अभी पहले भी बताया है वर्णमाला का टॉपिक, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वर्णमाला का टॉपिक आप जाइएगा पढ़िएगा, ये मिलेगा आपको टीचर्स अड्डा पे, टीचर्स अड्डा पे ये आपको टॉपिक मिलेगा। टीचर्स अड्डा भी हमारा यूट्यूब चैनल है अड्डा का, उस पे जाएंगे तो आपको ये वर्णमाला का टॉपिक पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, विद एमसीक्यू मिल जाएगा। इसके अलावा एसएससी अड्डा पे भी बहुत सारी क्लासेस हमारी पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। आप अपने यूट्यूब में सिर्फ इतना लिखेंगे विशेषण विशेष सर्जरी और फिर पूरा का पूरा टॉपिक आपका विशेषण विशेष का दिख जाएगा, जो कि अड्डा 24x7 पर ही पड़ा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप अड्डा 24x7 से कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हैं तो आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं Y258। आप इस कोड का यूज करेंगे, जो कि नीचे देखिए ब्लिंक भी कर रहा है, इस कोड का आप यूज करेंगे तो आपको क्या मिल पाएगा, आपको डिस्काउंट भी मिल पाएगा। मॉर्निंग का टाइम क्या है, 8 से 9 क्लासेस चलती है, मॉर्निंग में जो क्लास चलती है वो 8 से 9 चलती है इस चैनल पर आपको मिलेंगे, और जो 2:30 से क्लास है वो इस चैनल पर हम आपको मिलेंगे। ठीक है, ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन कितने हो जाएंगे, 25। ठीक है, इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला, मक्खियां मारना मुहावरे का सही अर्थ जरा बताओ क्या होगा, मक्खियां मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, मक्खियां मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, इंतजार करना लाभ के बदले हानि, बेकार बैठे रहना, या साहसिक कार्य। फट से आप लोग बताओ क्या आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अगर आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आप यही कोड यूज करें, किसी का भी यूज कर सकते हैं। मक्खियां मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपको कमेंट करके बताना है।
तो यहाँ आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेकार बैठे रहना आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी सी आंसर पे आप जाएंगे। बिल्कुल आपके आंसर भी करेक्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इनमें से आपको क्या करना है, इनमें से आपको गलत युग्म क्या करना है, गलत युग्म छांटना है। जरा गलत युग्म को छांटिए क्या गलत लिखा हुआ है। तीन सही लिखे हुए हैं, बाकी एक गलत लिखा हुआ है, उसको आपको छांट के आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। एमपी पुलिस के लिए क्लास कौन से टाइम है, ये एमपी पुलिस के लिए भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, 2:30 से 3 बजे तक आप ज्वाइन करिए। ये सभी स्टेट एग्जाम के लिए है, ऑल स्टेट एग्जाम, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, क्योंकि हिंदी का सिलेबस बिल्कुल सेम है। बी आंसर आ रहा है, नहीं है, अभी देखो सब सही लिखा हुआ है, निशान गलत लिखा हुआ है। आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। निशान को कैसे लिखा जाएगा, निशान को ऐसे लिखा जाएगा, निशान को ऐसे लिखा जाएगा, और चिन्ह क्या लिखा है, चिन्ह सही लिखा है। तो आंसर अपना जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दो, डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग गलत समझ पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। कौन सा गुणवाचक विशेषण है, जरा बताओ फट से कमेंट करके, कौन सा गुणवाचक विशेषण की कैटेगरी में आएगा, फटाफट कमेंट करो, कमेंट करो क्या आंसर होगा। यूपीएसआई के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो, सेम सिलेबस है, सेम सिलेबस है। यूपीएसआई के लिए 2:30 से 3 आप ज्वाइन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर करिएगा। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, तो यहां ध्यान रखना है, लाल फूल जो शब्द है ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण की कैटेगरी में आएगा। तो आंसर अपना जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या करेक्ट हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास के लिए अगले दिन आप लोग मिलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी लोग इस सेशन में हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में अगले दिन फिर होगा, अगले दिन आप लोग 2:30 से 3 के बीच में फिर से मिलिएगा, और 2:30 से 3 के बीच में फिर से आपकी क्लास होगी।